हे गाइस, ममता मिश्रा, वेलकम माय टीचर यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली लाई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। अगर आप लोग पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जी हाँ, आज मैं आप लोग लिया हूँ गार्नियर का फेस वॉश। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, अब मैं उसी का क्रीम लाई हूँ आप लोग के लिए। ये क्रीम बहुत अच्छा है गाइस। आप फेस वॉश के साथ ये क्रीम यूज़ करेंगे तो आपके जो पिंपल्स के डार्क स्पॉट हैं या फिर आपका फेस जो ब्लैक है ऑयली स्किन वालों को या फिर डल है या ड्राई स्किन कोई भी हो, उनका फेस तुरंत 5 से 6 दिन में ग्लो करने लगेगा। मैं गारंटी के साथ, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा, मैं बताई हूँ वीडियो में कि पिंपल्स निकलता था, मैं ये दोनों क्रीम और ये फेस वॉश यूज़ की, मेरा ये जो प्रॉब्लम था झट से दूर हो गया और मुझे इतना अच्छा ग्लो फेस दिया ये कि पूछिए नहीं। तो प्लीज़ आप ये लीजिए और अप्लाई कीजिए। मैं जैसा बताई कि इसमें 2 इन्ग्रीडियंट मेन है, एक है सीरम विथ लेमन, बहुत अच्छा ये दोनों इन्ग्रीडियंट्स हैं। आपको इसमें सीरम का भी जो बेनिफिट्स है वो भी मिल जाएगा और लेमन तो आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो आपके फेस पे डार्क स्पॉट होता है वो जड़ से ख़त्म कर देता है। तो प्लीज़ गाइस, अब मैंने फेस वॉश तो शेयर कर ही दिया था लेकिन अब मैं क्रीम भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप दोनों जिसका भी फेस एक्सेस ऑयली फेस है, बहुत उनके फेस पे ऑयल आ रहा है और वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि पिंपल्स निकल रहा है उनके फेस पे, बार बार उनको डार्क स्पॉट पड़ रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, जिसका फेस ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये फेस क्रीम और फेस वॉश जो मैंने शेयर किया है, आप गार्नियर का फेस वॉश लीजिए और ये क्रीम लीजिए। तो इसमें 2 इन्ग्रीडियंट्स मेन है जो मैं बता चुकी हूँ कि सीरम विथ लेमन। और चलिए मैं दिखाती हूँ इसका टेक्चर कैसा है। देखिए ये वाइट फॉर्म में है ये क्रीम और इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है, लेकिन आप जैसे इसको, इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छा है गाइस। इसका फ्रेग्रेंस आप इसको यूज़ करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट ये देगा और फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा अच्छा है कि पूछिए नहीं। तो देखिए मैं आपको इसको अप्लाई करके अपने फेस पे ही दिखाती हूँ आपको। आपको लेना है ऐसे। और हाँ, क्रीम लगाने का भी एक तरीका होता है जिससे 5 से 6 साल बाद आपके स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। तो देखिए मैंने जो है इसको, देखिए मैंने इसको लगा लिया है अपने फेस पे। मैं दिखाती हूँ लगाना कैसे। आप जब आप नहा के निकले, आपका फेस हल्का गीला रहे, तभी आपको ये क्रीम अप्लाई करनी है। वैसे तो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो जैसे आप नहा के निकल रहे हैं, हल्का गीला फेस रहे, हल्का सा पोंछ लीजिए और हल्का हल्का गीला रहे तभी इसको अप्लाई करना अपने फेस पे। बहुत ज़्यादा गीला रहे नहीं, हल्का सा पानी आपके फेस पे होना चाहिए सिर्फ ये फैलने भर का। देखिए आपको ऐसे लगाना है ये क्रीम ऊपर की तरफ ऐसे, आपको ये 2 फिंगर कैची की तरह बनाना है। क्रीम लगाने का भी एक अपना तरीका होता है ताकि आपका फेस कुछ दिन बाद ग्लो करेगा, कुछ दिन बाद ही ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप अगर अपने फेस का केयर अभी कर रहे हैं तो वो कुछ दिन बाद अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए ऐसे आपको इस फॉर्म में कैची जैसा ही करना है, यहाँ ऐसे करना है और यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे, और आप चाहें तो ऐसे ऐसे। देखिए ये तुरंत रिजल्ट देता है, देख लीजिए बहुत अच्छा। मैं कुछ फेस पर यूज़ नहीं की हूँ, आप देख लीजिए, सिवाय एक लिपस्टिक के मैं कुछ भी फेस पे यूज़ नहीं की हूँ। तो देखिए ये देखिए, जिसका फेस सांवला है, जो गोरा होना चाहते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। आप ये फेस वॉश और ये क्रीम यूज़ कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट शेयर कीजिए, जिसको भी जो प्रॉब्लम वो शेयर कर सकता है। अगर मेरे इस क्रीम से किसी को भी फ़ायदा हुआ है प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट शेयर कीजिए। मेरे बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो ताकि आप लोग के साथ पास पहुँचता रहे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए। अगर आप लोग नए यूट्यूबर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पुराने यूट्यूबर को तो आप काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं, पर नए यूट्यूबर को भी आगे बढ़ाइए प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए मेरे हर वीडियो में। आप लाइक, आप लोग का एक लाइक बहुत मेरे लिए मायने रखता है। प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए, मैं ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं मेरे वीडियो को एंड तक देखने, थैंक यू। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।